छत्रपति नगर परिसर में कल फिर हुई चोरी। LIC के विकास अधिकारी पद पर कार्यरत नमीश पशी ने पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ नागपुर में थे। पीछे से चोरों की टोली ने दिया अपने काम को अंजाम। पिछले एक वर्ष के अंतराल में छत्रपति नगर परिसर में चोरों ने भली भांति चोरी को अंजाम दिया है। वाटर फिल्टर प्लांट छत्रपति नगर परिसर के आसपास पिछले कई माह से कई गंजेड़ी नशेड़ी लोगों को देखा जा रहा है। इसे केवल स्थानिक नागरिकों का शक कहा जा सकता है, परंतु इसकी अभी तक कोई सही पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं नागपुर गया हुआ था सहपरिवार। आज सवेरे मेरे को लगभग 8 बजे मेरे कामवाली बाई का फोन आया कि बोले आपके घर का ताला टूटा हुआ है और आपके घर में चोरी हुई दिख रही है। हमारे यहाँ की बाई रोज सवेरे आती है। मेरे घर में एक सेफ्टी दरवाज़ा है लोहे का बना वाला, उसमें 10 लॉक लगा है, वो भी टूटा हुआ था। और लकड़ी के दरवाजे में गोदरेज का बड़ा ताला था, वो भी तोड़ के चोरों ने मेरे घर में चांदी के करीब करीब 1.5 लाख तक के जो सामान है वो पूरी चोर लिए। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत नुकसान करे है। मैं साई नगर में रहता हूँ। साई नगर के आसपास छत्रपति नगर है। यहाँ पे हरदम देखा जाता है कि कुछ नशेड़ी गंजेड़ी लड़के घूमते हुए अक्सर दिखते हैं। पता नहीं ये काम किसका है। तो मेरा पुलिस विभाग से, नागरिकों से ये आह्वान है कि ऐसे लोग दिखते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। लोगों ने, पुलिस ने ऐसे लोगों पर बंदिश रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम आम नागरिकों का इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल ये घटना किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मेरा सबसे आह्वान है कि कृपया अपनी घर की थोड़ी सेफ्टी बढ़ाए। ऐसे कोई भी थोड़े से समाज कंटक दिखे तो एकमेक को सूचित करे। मेरे मित्र धुन्ना जी है, उनको मैंने सवेरे संपर्क किया, वो तुरंत मेरे संपर्क करते ही सवेरे से मेरे साथ में है। मैंने पुलिस विभाग में प्राथमिकता दर्ज करा दी है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग मेरे आए थे, उन 4-5 लोगों ने पूरे मेरे घर का चेक किए, हर सामानों को देखे, और उनका भी कहना है कि कुछ प्रोफेशनल चोर है, उनका ये काम हो सकता है। कृपया आपसे अपील है कि अगर कोई ऐसे संदेहजनक लोग मिले तो पुलिस थाने में वो कृपया सूचित करें।